एपिसोड की शुरुआत सयूरी के उदास मन से मंदिर में बैठने से होती है। कान्हा वहां आता है लेकिन सयूरी को नहीं देखता। वह दोनों एक ही स्तंभ के विपरीत झुके हुए थे और जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का चुपके से सयूरी की पोशाक का एक धागा खींचता है और उसे कान्हा के हाथ से बांध देता है। नकुल लोगों से कान्हा के बारे में पूछता है और एक एक व्यक्ति उसे दिखाता है कि वह किस दिशा में गया था। कान्हा सोचता है कि सयूरी और उसकी माँ सही थे क्योंकि चिरू की मृत्यु उसके कारण हुई थी। वह उठता है और सयूरी का धागा उसके साथ घसीटा जाता है। कान्हा लगातार जलते कोयले पर चलते हैं। यह सुनकर नकुल कान्हा का नाम चिल्लाता है और सयूरी भी सुनती है। कान्हा को जलते कोयले पर चलते देख सयूरी चौंक जाती है। नकुल उसे बाहर ले जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ और वह ऐसा क्यों कर रहा है। कान्हा कहते हैं कि यह उनकी गलती है क्योंकि उन्हें चिरू को शादी करने से रोकना चाहिए था। वह कहता है कि उसने चिरू को समझाने की कोशिश की लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि उसने बताया कि अगर वह सयूरी से शादी नहीं करता है तो यह उसकी मृत्यु के बराबर है भले ही वह जीवित हो। वह कहता है कि वह असहाय था क्योंकि चिरू ने उससे वादा लिया था। वह फिर से खुद को दोषी ठहराता है कि उसने चिरू को शादी के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोका। नकुल पूछता है कि उसने इसके बारे में सयूरी को सूचित क्यों नहीं किया। लेकिन कान्हा का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता जिससे सयूरी हमेशा के लिए गिल्टी फील करेगी और वह सयूरी की रक्षा के लिए चिरू को दिए गए वादे को पूरा नहीं कर सकता। वह कहता है कि वह सारा दोष अपने ऊपर ले सकता है लेकिन सयूरी को गिल्टी फील नहीं होने दे सकता। सयूरी ये सब सुनती है और सोचती है कि उसने कान्हा के साथ गुस्से में जो बर्ताव किया और इस सब पर पछताती है।